फिजिक्स क्लास नाइन्थ चैप्टर वन टॉपिक नंबर्स 1.6 1.7। रहमान रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। पहले इसको डिफाइन करते हैं। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जिसके ज़रिए से हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ मालूम करते हैं, यानी इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के पैमाइश करते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि हम एक ख़ास तरतीब से पढ़ रहे हैं। शुरू में सबसे पहले, जैसे हमारे इस चैप्टर का नाम भी है, मैंने आपको फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में बता दिया, फिर आपको फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने का यूनिट बता दिया। अब हम इन क्वांटिटीज़ के पैमाइश के तरीके सीखेंगे। याद रखो कि फिजिक्स की हर क्वांटिटी की पैमाइश की जा सकती है। कुछ तो आम है आपको बता देंगे, जैसे मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज या स्टॉप वॉच है या मेजरिंग सिलेंडर है। ये तो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में देख सकते हैं, आसानी से मालूम कर सकते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो कि बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आती, हम उसे महसूस नहीं करते, लेकिन उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं और हम उसे मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिक करंट है, इसको हम इसकी पैमाइश कर सकते हैं। वोल्टेज है, इसकी पैमाइश हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो एनर्जी है, यानी घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली, तो उसकी पैमाइश एनर्जी हम कर सकते हैं। हमारे पास एक मीटर होता है घरों में, जिससे उस इस्तेमाल होने वाली एनर्जी की पैमाइश हो सकती है। इसी तरह से मुख्तलिफ चीज़ों की, यानी जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ आपको बता देता हूँ, इनमें से सबसे पहला वाला मीटर रूल है। इससे हम लेंथ मालूम कर सकते हैं। मीटर रूल दरअसल एक रूलर है जिसकी लेंथ एक मीटर है। हम अक्सर रूलर को फुट भी कहते हैं। फुट इस वजह से कहते हैं कि उस रूलर की जो लेंथ है वो एक फुट के बराबर होती है। लेकिन इससे हम छोटा रूलर भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम पैमाना भी कहते हैं। एक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लो, ये जो रूलर है, सो इस रूलर में जो रीडिंग है ये सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में है। अगर आप यहाँ से काउंट करें तो ये ज़ीरो इसका स्टार्ट है, 1 2 3 4 5, ये सेंटीमीटर्स में है। इसमें जो छोटा डिस्टेंस है या लेंथ है 1 मिलीमीटर है। इसका मतलब ये है कि ज़ीरो से अगर आगे एक डिवीज़न जाएं आप, तो ये 1 मिलीमीटर है। इस रूलर से कम पैमाइश 1 मिलीमीटर तक हो सकती है। इसके बाद वर्नियर कैलिपर है, इससे भी हम लेंथ मालूम करते हैं। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों है? इसकी वजह यह है कि अगर लेंथ कम हो 1 मिलीमीटर से, तो उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं, और ये 1 मिलीमीटर के 10वें से तक मालूम कर सकता है। फिर इसके बाद स्क्रू गेज है, इससे भी हम लेंथ मालूम करते हैं। लेकिन कब मालूम करते हैं? कि अगर कोई लेंथ 0.1 मिलीमीटर से भी कम हो, तो फिर हम स्क्रू गेज इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर सर का बाल है, तो उसकी भी आप डायमीटर या थिकनेस मालूम कर सकते हैं, और इससे हम 1 मिलीमीटर के 100वें से तक मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से स्टॉप वॉच है। स्टॉप वॉच दरअसल टाइम मालूम करने के लिए है। ये एक स्टैंडर्ड वॉच है, अपनी मर्जी से टाइम को हम स्टॉप एंड स्टार्ट कर सकते हैं और किसी भी इवेंट का दौरानिया मालूम कर सकते हैं। हमारे घरों में भी वॉल क्लॉक होते हैं, जिससे हम टाइम मालूम करते हैं। हमारे पास घड़ी भी होती है, जिससे हम टाइम मालूम करते हैं। इसी तरह से मेजरिंग सिलेंडर है, दरअसल इससे वॉल्यूम मालूम करते हैं।
ये ग्लास का बना हुआ एक सिलेंडर होता है जिस पर निशानात होते हैं मिलीमीटर क्यूब में या मिलीलीटर में। तो उन निशानात तक जो लिक्विड की रीडिंग आती है तो उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। इससे हम पानी का वॉल्यूम या किसी ड्रिंक का वॉल्यूम या ऑयल वगैरह का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक और चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। इसको हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं, द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड ऑन द स्केल ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब ये है कि वो कम से कम पैमाइश जो किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से की जा सकती है, इसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। इस लीस्ट काउंट को मैं आपको कुछ मिसालों से समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये जो मीटर रूल है आपको बता भी दिया और ये दिखा भी दिया, इसके ज़रिए से कम एक मिलीमीटर पैमाइश हो सकती है। इसलिए अगर कोई लेंथ एक मिलीमीटर से कम हो तो फिर ये मीटर रूल बेकार है, उसकी पैमाइश हम मीटर रूल से नहीं कर सकते। इसलिए इस मीटर रूल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। इस तरह से जो वर्नियर कैलिपर्स हैं इसके ज़रिए से हम 0.1 मिलीमीटर लेंथ तक पैमाइश कर सकते हैं। अगर कोई लेंथ 0.1 मिलीमीटर से कम हो तो फिर वर्नियर कैलिपर्स बेकार है। ये जो 0.1 मिलीमीटर है, चूँकि ये कम से कम पैमाइश है जो वर्नियर कैलिपर से हो सकती है, इसलिए इस 0.1 मिलीमीटर को लीस्ट काउंट कहते हैं। एक और इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गेज। ये जो स्क्रू गेज है इससे भी लेंथ मालूम की जा सकती है, लेकिन इसकी भी लिमिटेशन है। अगर लेंथ 0.01 मिलीमीटर तक हो तो इससे मालूम की जा सकती है, लेकिन अगर कोई डायमीटर या थिकनेस या लेंथ 0.01 मिलीमीटर से कम हो तो फिर स्क्रू गेज को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रूलर के बारे में या मीटर रूल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स और द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। जैसे आपको बताया, ये दरअसल ये जो मीटर रूल है एक मीटर लेंथ का होता है और ये लेबॉरेटरी में अवेलेबल होता है। बाकी आम रूलर्स होते हैं और वो रूलर एक मीटर से उसकी लेंथ कम होती है। जैसे आपको एक बता दिया कि 1 फुट की लेंथ वाला रूलर भी होता है। एक रूलर ये है, अगर इसको आप देखें तो इसकी जो लेंथ है 14 सेंटीमीटर है। इस रूलर पर मिलीमीटर और सेंटीमीटर में निशानात हैं। ये जो रूलर्स हैं ये दरअसल प्लास्टिक के या लकड़ी के या स्टील के या मेटल के बने होते हैं और इनसे हम मुख्तलिफ तरह के डिस्टेंसेस मालूम कर सकते हैं। बुक में दूसरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर है। इसको वर्नियर कैलिपर्स भी पढ़ा जाता है। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ एक्यूरेटली अप टू 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से हम लेंथ मालूम कर सकते हैं, लेकिन कम से कम लेंथ जो 0.1 मिलीमीटर के बराबर हो या 0.01 सेंटीमीटर के बराबर हो तो इसके ज़रिए से हम सही सही लेंथ मालूम कर सकते हैं। ये जो 0.1 मिलीमीटर है ये बराबर है 0.01 सेंटीमीटर के। इसको यूनिट कन्वर्शन कहते हैं। अगर आप फ्रैक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर, इसका मतलब ये वर्नियर कैलिपर कैसे बना है। इस वर्नियर कैलिपर में दरअसल 2 स्केल्स होते हैं या 2 पैमाने होते हैं। एक स्केल जिसको हम मैन स्केल कहते हैं ये फिक्स होता है, यानी इसकी इसमें हरकत नहीं होती, और इट हैज़ मार्किंग ऑफ 1 मिलीमीटर ईच एंड इट कंटेन्स जा ए
ऑन इट्स लेफ्ट साइड, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, ये वाला मेन स्केल है, ये वाला देख लो, ये जीरो से शुरू है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सेंटीमीटर में रीडिंग है। और जो कम से कम रीडिंग है जीरो से, जो फर्स्ट डिवीजन है, ये 1 मिलीमीटर का है। आपको ये भी बता दिया कि इसके लेफ्ट साइड पे जा होता है, JAW, जिसको हम उर्दू में जबड़ा कहते हैं। ये ए, ये दरअसल इसको हम लोअर जा कहते हैं और निचला जबड़ा, और इसको हम अपर जा कहते हैं, ऊपर वाला जबड़ा। ये मेन स्केल है, स्केल है वर्नियर स्केल। ये जो वर्नियर स्केल है इसको स्लाइडिंग भी कहते हैं, मतलब ये जो मेन स्केल है उसके ऊपर स्लाइड होता है, उसके ऊपर आगे पीछे हरकत करता है। द वर्नियर स्केल हैज़ लेंथ ऑफ 9 मिलीमीटर, इसकी टोटल लेंथ 9 मिलीमीटर है, एंड इज डिवाइडेड इक्वली इनटू 10 डिवीजन। ये जो 9 मिलीमीटर लेंथ है इसको 10 डिवीजन में तकसीम किया गया है, इसलिए जो दो डिवीजन के दरमियान फासला है वो 0.9 मिलीमीटर है, यानी सेपरेशन बिटवीन टू डिवीजन इज 0.9 mm। आप इस फिगर में देख सकते हैं ये वाला, ये वर्नियर स्केल है। इसको स्लाइडिंग स्केल इसलिए कहा जाता है कि ये स्केल पीछे और आगे की तरफ हरकत कर सकता है। ये जो स्केल है इसके लेफ्ट साइड पे भी जा है, ये जो बी है लोअर जा और अपर जा। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर एक्सटर्नल डायमीटर मालूम करना हो तो ये लोअर जाज इस्तेमाल होते हैं, और अगर इंटरनल डायमीटर मालूम करना हो, मिसाल कोई ट्यूब है उसका इंटरनल डायमीटर, या कोई शीशे का ग्लास है उसका इंटरनल डायमीटर मालूम करना है, तो अपर जाज इस्तेमाल होते हैं। फिर आपको ये बता दिया कि जो वर्नियर स्केल है इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 9 मिलीमीटर लेंथ है, लेकिन इसको 10 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। इसका मतलब कि अगर वर्नियर स्केल की जीरो के बाद जो पहला डिवीजन आता है वो डिस्टेंस 0.9 मिलीमीटर के बराबर है, जबकि मेन स्केल में जीरो के बाद जो पहला डिवीजन है ये 1 मिलीमीटर के बराबर है। तो अगर 1 मिलीमीटर और उससे ज़्यादा लेंथ हो या डायमीटर हो तो मेन स्केल, फिर अगर 1 मिलीमीटर से लेंथ या डायमीटर कम हो तो उसके लिए फिर हम वर्नियर स्केल का इस्तेमाल करेंगे। इस डायग्राम से मैं आपको वर्नियर कैलिपर का वर्किंग बता देता हूँ, वर्नियर कैलिपर कैसे काम करता है। वर्नियर कैलिपर में किसी भी चीज़ के डायमीटर मालूम करने का तरीका ये है कि ये डायमीटर बराबर होता है मेन स्केल रीडिंग MSR प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग VSR। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, इसमें एक राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट रखा गया है दो जार्स ए और बी के दरमियान, फिर इसको कस दिया गया है, टाइट कर दिया गया है। अब जो इसकी रीडिंग लेने का तरीका है वो आप इस मैग्नीफाइड व्यू से समझ सकते हैं। मैग्नीफाइड व्यू में दिखाया गया है कि जो वर्नियर का ज़ीरो है वो इस टू और इस डिवीजन के दरमियान में है। ये दरअसल आपको मेन स्केल की जो डिवीजन्स हैं दिखा रहे हैं। अगर आप इस ज़ीरो से काउंटिंग शुरू कर दे तो 0 से 1 तक ये 10 मिलीमीटर है, और फिर 2 तक 20 मिलीमीटर है, और ये जो 1, 2 है ये दरअसल सेंटीमीटर्स हैं। तो अगर आप इधर से देखें तो जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है
वो 19 मिलीमीटर और 20 मिलीमीटर के दरमियान में है। इसलिए जब आप रीडिंग लेंगे मैन स्केल रीडिंग, तो आप इस वर्नियर की जो ज़ीरो है इसके लेफ्ट साइड वाले नंबर गिनेंगे। आप अगर इधर से गिनना शुरू कर दे तो ये हो गया 10 मिलीमीटर और इधर तक आ गया 19 मिलीमीटर। बस आप मेन स्केल रीडिंग में इस तरह से लिख देंगे 19 मिलीमीटर। फिर इसके बाद जो वर्नियर स्केल रीडिंग है उसका तरीका ये है, आपने देखना है कि इन वर्नियर स्केल डिवीजन का कोई एक डिवीजन मेन स्केल डिवीजन के बिल्कुल सामने होगा, मैच कर रहा होगा। इसको कोइंसिडेंस डिवीजन भी कहते हैं, जो कि ये वाला सबसे ज़्यादा इसमें आमने सामने है, वाज़े है। तो हम इस वर्नियर स्केल पर गिनना शुरू कर देंगे। ये तो ज़ीरो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब वो जो डिवीजन है जो कि मेन स्केल के सामने आता है वो है ये वाला, ये 6 आपको नज़र आ रहा है, ये वाला 6। अब आपने ये करना है कि इस 6 के साथ आपने लीस्ट काउंट जो कि 0.11 mm है मल्टीप्लाई करना है। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इससे 0.6 mm आ जाएगा। 19 mm में ऐड करें तो 19.6 mm आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो स्फेरिकल शेप्ड ऑब्जेक्ट है वर्नियर कैलिपर के मुताबिक इसका जो डायमीटर है वो है 19.6 mm, यानी 19.6 मिलीमीटर।